जोधपुर के ओसिया से खबर है। हत्याकांड पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दें कि एक ही परिवार के चार सदस्यों को मारकर जिंदा जलाने का पूरा मामला है। ओसिया के रामनगर गांव की घटना है। देखिए आरोपी की यह तस्वीर सामने आई है, यही वो आरोपी बताया जा रहा है जिसको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है, इसे हिरासत में लिया गया आरोपी जो कि मृतक पूनाराम का भतीजा बताया जा रहा है। मृतक पूनाराम के भतीजे पप्पू राम को हिरासत में पुलिस ने लिया है और ये सबसे पहले तस्वीर फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। यही वो आरोपी है जिसने वारदात को अंजाम दिया, हिरासत में लिया है, फिलहाल पूछताछ की जा रही है, आरोप इसी पर है। हालांकि पुलिस ने यह बताया है कि रंजिश का मामला है, जमीनी विवाद का मामला है। दरअसल पूनाराम का भाई और जिसके एक बेटे ने सूरत में सुसाइड कर लिया था, पूनाराम पर यह आरोप लगाया जा रहा था भाई की तरफ से कि उसकी वजह से ही उसके बेटे ने सुसाइड किया। उसके बाद ये पूरी प्लानिंग की गई और उस प्लानिंग के तहत ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए यही वो आरोपी बताया जा रहा है जिसे हिरासत में लिया गया है, जिसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस को आपने सुना था, कई टीमें इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं और पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस आरोपी को हिरासत में लिया गया, इससे पूछताछ की जा रही है और कौन कौन लोग इस पूरे मामले में शामिल है, इससे पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए है ये और पुलिस ने इस आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बेहद दर्दनाक यह हादसा रहा। रात 3 बजे करीब इस वारदात को अंजाम दिया गया। सो रहे थे सभी घर में, हालांकि घर में लाइट नहीं थी इसलिए बाहर सभी सो रहे थे और रात के अंधेरे में ही सभी की हत्या कर दी गई जिसमें 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। राजीव गौड़ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राजीव, सबसे पहले आपके माध्यम से फर्स्ट इंडिया न्यूज पर इस आरोपी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यही वो आरोपी बताया जा रहा है जिसने वारदात को अंजाम दिया। राजीव, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि इस तक पहुंची कैसे पुलिस? देखिए, हमने सबसे पहले सुबह आज इस बात का खुलासा किया था कि रिश्तों का खून है, परिवार के लोग जो संपत्ति का लालच कर लेते हैं तो इस तरह की घटना होती है। दो पहलू खुलकर के सामने आए हैं। इसी जो पूनाराम घर का मुखिया, उसके भाई हैं रेवत राम और भैराराम के पुत्र है पप्पू राम। पप्पू राम के भाई था जिसकी सूरत में डेथ हो गई थी। माना जा रहा है कि इस पूनाराम के बेटे रेवत राम ने उसकी हत्या की थी, जबकि मामला आत्महत्या का था तो मन में रिवेंज था। लेकिन पास में प्रॉपर्टी को लेकर के भी इनके परिवार में एक सदस्य जो मानसिक रूप से बीमार है तो उनको लगता था कि प्रॉपर्टी भी इनके पास चली गई तो वो रेवत राम को मारने के लिए आए थे। और जब रेवत राम को जब मारने के लिए आए थे तो उस दौरान रेवत राम नहीं मिला, लिहाजा उनकी पत्नी को मार दिया और ऐसा स्तर पर खून सवार हुआ, एक एक करके सभी को मौत की घाट उतार दिया। वो अपने घर पर जाकर के छुप गया। सब लोग यहाँ इकट्ठे होते, लेकिन पुलिस को लगा तो पुलिस को कैसे क्लू मिला कि इनके आपस में 5 साल पहले कोई झगड़ा हुआ था। तो पुलिस ने पहलू पता करके उसको हिरासत में लिया, थोड़ा सख्ती की, पूछताछ की तो उसने पूरी की पूरी तोते की तरह कहानी रख दी कि मैं अपने काका काकी को मैं ऐसे मारा और इस तरीके से मैंने की, मैंने बदला लिया। तो देखिए, पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जाएगी इस केस के अंदर, जिस तरीके से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इंटेलिजेंसी जिसको कह सकते हैं, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, आईजी जयनारायण शेर और यहाँ के जो एसपी धर्मेंद्र सिंह और कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे, एक एक ने अलग अलग इंटरोगेट किया, मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो सच सामने आ गया है। और अब देखिए कि इतने जल्दी इतने बड़े जघन्य हत्याकांड, सामूहिक हत्याकांड का खुलासा होना अपने आप में बहुत। लेकिन राजीव, चार लोगों की हत्या, पहले वार किया जाता है धारदार हथियार से, उसके बाद आग के हवाले कर दिया जाता है, क्या ये अकेला ही था या फिर कोई अन्य भी इसमें शामिल है? देखिए, अभी जिस तरह की सूचना सामने आ रही है वो सर पर खून सवार था, बदले की भावना थी, प्रॉपर्टी का लालच था। अब देखिए, 19 साल की उम्र में जब बच्चे अपने मन में सपने संजोते हैं कि उन्हें कुछ बनना है और उसने जब अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठा ली, एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया, समझा जा सकता है कि कहां जो यूथ है, युवा पीढ़ी है वो जा रही है। अभी 4 दिन पहले की हम घटना भूले नहीं है जब सामूहिक जिस तरीके से गैंग रेप हुआ उसमें आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया, पुलिस तत्परता दिखा रही है। लेकिन सबसे बड़े लोगों को खुद को समझदारी रखनी होगी और देखिए परिवार का परिवार खत्म हो गया और अब सभी को पता है कि धारा 302 जो होती है उसमें सीधी सीधी जो सजा होती है वो क्या होती है, देखिए देखिए बदले की जो भावना होती है सर पर जो खून। ठीक है राजीव, अभी तो इस पूरे मामले में परते खुलना और भी बाकी है, फिलहाल ये बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है कि इस आरोपी को जो टीवी स्क्रीन पर हम इसकी तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को, इसको हिरासत में ले लिया है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।